मेरे अपने व्यवहार में, मेरे अपने आंधी में तो यही बात है कि गुरु ही सर्वोपरि है। मतलब मेरी अपनी आंधी में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर साधक गुरु को सर्वोपरि मान रहा है तो गुरु ने जो दे दिया वो करने का जी, और करने का हल्का फुल्का नहीं, एकदम आंधी तूफान मचा देने का जी। अगर हमने आपको बाबा की दीक्षा दी, ठीक, कहा चले सरस्वती की दीदी, गणेश की दीदी, हनुमान की दीदी, बाबा की दीक्षा दी, तो मतलब क्या है कि यार ये बंदा यहाँ जा सकता है। अब अगर साधक उसको नहीं ले पा रहा है तो दूसरी जगह झांकेगा है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो गुरु होता, देखो ठीक भैया, जो गुरु होता है वो क्या करता है, वो खेल खेलता है, बहुत भयानक खेल रहते हैं, नहीं समझ में आ सकता, सही बता रहा हूँ। देखो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। अल्टीमेटली आपको शरणागत होना पड़ेगा कि प्रभु मेरी नहीं चल सकती है, मैं आपको सरेंडर होता हूँ भैया, अब आप जो कहोगे मैं कर रहा हूँ, ठीक। ये तो अल्टीमेट सत्य हजारों बार बताया हुआ, हजारों किताबों में हजारों संतों ने अपनी वाणी से बताया हुआ। तो गुरु ने बोल दिया है भाई बाबा सर्वोपरि है, ठीक। उसके बाद बात कहाँ आ जाती है, तुमको ये सोचो जो माया जगत है ना सारा जी, ये पेड़ है, ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है चारों तरफ, तुम्हारी बुद्धि से जितना समझ में आ सकता है, मन से जितना तुम खींच सकते हो और जितना नहीं खींच सकते हो तुमसे बचा रह जाए, उतना सब माया जगत के अंतर्गत है कि नहीं जी, है मन जी जी। वो बगल में बैठ गए बेचारे, गुरुदेव ज्ञान दें, मुझे नहीं पता क्या है। वो उनको ज्ञान दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, योनि की तरह छुपा के रखना, बताना मत किसी को जी। आप यूजी को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने क्या कहा, यूजी मेरा फेवरेट आदमी, ठीक है, आचार्य जी मेरे फेवरेट आदमी, क्या बोल रहे हैं, सब ज्ञान बकर 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 सब बता दिया, अंत में क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं, झूठ बोला मैंने, सब बेकार है, तुम ये पड़ी हुई टेबल नहीं देख सकते। तो गुरु के सानिध्य में आने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सब उसके बाहरी जो मंडल होता है उससे आकर्षित हुए हुए आते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है जिसको बताकर भी नहीं बताया जा सकता है। यूजी बताकर भी नहीं बता पा रहा है, बताया ही नहीं जा सकता जी, और तुमको बता भी दिया जाए तो तुम नहीं समझ सकते हो, उसके लिए शरणागत होना पड़ता है। शरणागत मैं गया तुम बचे, इतना भीतर से आ जाए ना, इतना भीतर से आ जाए, समझ रहे हो जी। बस समझ लो 99% काम यही हो गया। जब गुरु ने बोल दिया कि मैं सिर्फ एक ब्रिज का काम कर रहा हूं, मुझे मत पकड़ लेना,
मेरे ऊपर चढ़ के उधर निकल लो, वो साला ब्रिज को पकड़ के बैठ जाता है कि ये पार लगाएगा। अबे आगे तो बढ़ो, कह रहा पार लगो आगे बढ़ो, करना तो खुद को ही है। ये उसकी टेंशन मत लो, हवा मत करो, जो मच्छर बहुत कोई टेंशन नहीं, मच्छर से क्या दिक्कत नहीं। क्यों जब उसने कह दिया कि बाबा की साधना करो तब गाय चक्कर में पड़े और जितना भी चर और अचर जितना है सबको लताड़ दिया, माया विष्णु के चरणों में पड़ी जी बिल्कुल। मायाधिपति को विष्णु को थर थर कपा दिया, पसीने ला दिए। मायाधिपति को पसीने ला दिए कौन बचा? ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि टीवी पे इंटरनेट पे बहुत बहुत भयानक तरीके से बताया गया है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है कि आध्यात्म को माइथोलॉजी के एंटरटेनमेंट के हिसाब से लिया जा रहा है ना, दो जो जो तो आप उसको कैसे अपने अंदर उतार पाएंगे? नहीं उतार पाएंगे, आप भी मजे लेंगे वाह शिव शक्ति एपिसोड आ रहा है, अब तो गणेश जी वाला, अब तो कार्तिकी वाला एपिसोड आ रहा है, मजे करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि अभी मेरे पास एक मैसेज आया, मुझे सिर्फ इनलाइटमेंट चाहिए, सिर्फ इनलाइटमेंट चाहिए। सोचिए उतने में ही बात समझ में आ गई कि ये बहुत अबोध है, इसको कुछ भी नहीं पता एक्चुअली। तो मैंने उसको 3-4 बार जो है सिर्फ आध्यात्म करके सिर्फ इनलाइटमेंट करके ही बात करी। मैंने कहा तुम बताओ करते क्या हो, क्या काम करते हो, मैरिड हो, क्या हो, क्या प्लानिंग है। बस इसी थोड़ी सी बातचीत में क्या हुआ, 5 मिनट की बातचीत में उसने बताया कि भाई मुझे सेटल होना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, सेवा मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं अमीर हो जाऊंगा, बस मेरा ये काम है। कहाँ शुरू हुई थी बात? सिर्फ आध्यात्म चाहिए, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चाहिए, सिर्फ इनलाइटमेंट चाहिए। पहला शब्द था मुझे कोई तंत्र मंत्र कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो इनलाइटमेंट चाहिए, वो भी सिर्फ। ठीक, और कहाँ बात आज खत्म हुई? मुझे तो लोगों की सेवा करनी है, उसके बारे में और एक और बहुत बड़ी बात है, जब से मैंने एक वीडियो डाला है उस पर साला ऐसा आदमी पागल हो गया उसको देख के, ऐसा मैसेज डालता है मुझे तो गुरु जी बस लोगों की सेवा करनी है। अच्छा ये क्या कर रहे हो? नौकरी नहीं है, बीबी भाग गई है, बच्चे चले गए हैं, माता पिता चले गए हैं, प्रॉपर्टी का ये चल रहा है, पैसे नहीं है, लेकिन समाज की सेवा करनी है। इतना चूतिया पंती वाला डायलॉग है ना, इतना चूतिया पंती वाला डायलॉग है, उसको मतलब बहाना चाहिए। क्या चाहिए प्रिंस जी? हाँ बहाना क्या चाहिए? कि बस मुझे कोई सिद्धि मिल जाए और मैं गद्दी लगा के बैठूं, और मैं जो जॉब में नहीं कर पाया, जो मैं बिजनेस में नहीं कर पाया, जो परिवार में नहीं कर पाया, जो समाज में नहीं कर पाया, भाई सद्दी के हिसाब से मैं करूं, पेलूंगा, चिमटे बजाऊंगा। तो ऐसे मैसेज को तो मैं कभी खोल के नहीं देखता, समाज की सेवा करनी क्यों? क्योंकि गुरु जी ने बोल दिया कि साधक आए जुड़े समाज की सेवा करे, परेशान है लोग उनकी सेवा करे। तो ऐसे ऐसे पागल लोग, और जब गुरु ने बोल दिया मतलब वो तो ये अपने हिसाब से लाइन चूज कर लेते हैं ना, लेकिन एक्चुअल लाइन जो बार बार बोली गई है कि भैया ध्यान करो, बाबा की साधना करो, भिक्षा लेके, ऐसे फर्जी करोगे तो तुम्हारी टांग टूटेगी टूटेगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। नहीं समझ पाता कोई, क्या बताएं उसको? हेमल जी अब अगर वो साधक उस वाणी को समझ रहा हो तो ये समझे ना कि उसने बोल दिया, जब सारी माया बैठ के कह रही है कि मुझे ज्ञान दो, तंत्राधिपति कह रहा है ना, तंत्राधिपति कह रहा है जिसके मुखार बिंद से तंत्र चलता, और जिसने उसको तंत्र के सारे मंत्रों को क्लोज कर दिया, ताला लगा दिया जी।
कि साले ये जिसको शक्ति दो साले भस्मासुर बन के मेरे को भस्म करने चले आते। अब ताला लग गया, अब मैं खोलूंगा गुरु खोलेगा, बस दो ही लोग हैं। क्यों? गुरु कौन? जिससे मैं परावर्तित हो रहा हूं वो गुरु होगा, वही बस दो लोग खोल सकते हैं लॉक, बाकी किसी के पास नहीं चाबी। नाम गुरु लगा ले कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक को चूतिया बना ले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो मेरा थोड़ा है, वो तो माया वाला है, मेरा थोड़ा हो, मेरा वाला होगा कुछ चाहिए नहीं, फालतू दुनिया जाए फाड़ में। मेरा वाला जो होगा एकांत में पड़ा रहेगा, वो कोई मतलब नहीं रहेगा, माया से खेलेगा, ले फेंक रहा हूं नाच है, ऐसा होता है। और जिसका शांति हो गई, जिसका वो हो गया, जिसका रम गया उसमें, जिसका उसमें रम गया, उसको किसी को दूसरा भाता ही नहीं है भैया, सीधी बात है, कुछ नहीं भाता। और मैं क्यों कष्ट में आनंद बोलता हूं भैया, इसको बंद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, समझ रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तुम्हारी सेवा सम्मान है भीतर से, कि तुम पंखा कर रहे हो, बनियान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, जब मैं भगा सकता हूँ तो तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है, मच्छर भगा सकता हूँ क्या पीड़ा हो रही है, हाँ चारों तरफ चमगादड़ घेर लें और चिपक जाए खून चूसने लगे तो तब मैं कह दूंगा चलो अच्छा थोड़ा सा कर दो, अभी यह पीड़ा है। तो जब आपके गुरु ने कह दिया कि भैया, गुरु ने कह दिया कि ये है, क्या बात हो गई, अब कहां से दूसरी बात आ गई, वो तो है ही है, ठीक, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या होता है, साधक के मन के अकॉर्डिंग, मैं ऐसे थोड़ा डालता हूं, साधकों के भयानक मैसेज आते हैं, असंख्य मैसेज आते हैं, समझ लो 10 से 12 घंटे तो मेरे सिर्फ मैसेज में ही जाते हैं, सिर्फ मैसेज कि गुरुजी इन लोगों के इतने करोड़ मैसेज आ रखे हैं, इतने हजार मैसेज आ रखे हैं, ये प्रायोरिटी से सेट है, क्या उत्तर देना, मेरा उसमें ही जाता है 10 से 12 घंटे, सोचो मुझे कुछ मतलब नहीं किसी से, मुझे तो सिर्फ साधक से मतलब है, जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरे लिए तो वही वाला बंदा फेवरेट है मोहित जी, अगर व्यक्ति साधक गुरु को समझ रहा होगा तो वो क्या कहेगा, गुरु जी ने जो कहा वही सर्वोपरि, उसका विचार चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, 1% नहीं चल सकता, मैंने जो बोल दिया तुम्हारी बुद्धि कैसे चल गई, बस कैसे चल गई, तुम उसको पूरा करने पे लग जाओगे, दूसरी कोई चीज नहीं बची, क्यों मुझे क्यों नहीं ली, कैसे बची रह जाएगी, खुद तुम तो सब लॉजिकल आदमी हो, सब बुद्धिवादी आदमी हो, तुम तो खुद ही सोच सकते हो कि अगर मेरे गुरु ने कह दिया भैया ये होना है, उसके अलावा तुम्हारी बुद्धि कहाँ चल पाई, होता चल सकती, अगर नहीं चल रही है तो क्या है, साधक है नहीं और गुरु है नहीं, सिर्फ तमाशा चल रहा है, चल रहा ना सीताराम सीताराम चल रहा है गाँव में ढेरों, पूरी दुनिया में ऐसी चल रहा है, कथा बाची जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, तो स्त्री को वही पसंद है, मटकी सर पे रख के यात्रा निकल रही है, भागवत शुरू होगी, नाचेंगे कृष्ण जी महाराज आएंगे, हम वही नाचेंगे, सब यही चल रहा है ना। तो हमको अगर एज साधक अगर हम अपने आप को देखते हैं तो विमल जी हमको क्या देखना चाहिए, गुरु बस, शिष्य तो मर गया ना, जब गुरु बचा तो शिष्य कहाँ बचा, उसकी ऊर्जा में फ्लोर बहने का, एकदम मर जाने का,
तब तो मैं कुछ भेजूं, तब तो मैं कुछ तीर कमान लेकर चलाऊं, तीर कहां से चला पाऊं? क्योंकि जितनी साधक की बुद्धि चलती है उतना चलाने के लिए मुझे घृणा आती है, घिन आती है। हाँ, तो सबसे अच्छा देखो क्या है अतुल जी, और मैं इस चीज का बहुत रोष भी करता हूं कि मैं क्यों ऐसे कहता हूं कि बाबा की साधना करो। क्यों? क्योंकि बाबा की साधना करते करते पता नहीं कहां चला जाएगा, पता नहीं क्या मिल जाएगा, मेरे से ऊपर चला जाएगा। ये सामान्य गुरुबाजी की भाषा है, उनकी विचारधारा है। कोई नहीं कराना चाहता है, किसी कोई किसी शिष्य को कोई बाबा की साधना कराना ही नहीं चाहता है, वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं कराना चाहता है। वो दे देगा मंत्र, अरे क्या क्या नाम उसका, ओम भैरव नमः, ये जाप नाम जाप करो। भैया वो साधकों की लेने पे लगा हुआ है, उसको खुद को नहीं पता है कि कितनी खतरनाक चीज से जुड़वा रहा है, सबको ओपनली बांट रहा है, ये करते रहो वो करते रहो। मेरे पास उसके सुनने वाले सब मैसेज करते हैं, मैं हाथ जोड़ लेता, भैया उन्हीं के पास जाओ, वही महान गुरु है जो हमने अपनी जान बचा के रखी हुई है, मरते मरते बचे हैं। इस कई लोगों को मरते हुए देखा है इन सब चक्करों में। बस नाम जप कर लो बाबा का, इतनी खतरनाक शक्ति है, इतनी खतरनाक शक्ति है, कोई छेड़ना पसंद नहीं करता है। किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, कोई छेड़ना पसंद नहीं करता। हम उनको आगे ले लेके चल रहे हैं, करा रहे हैं, गृहस्थों को करा रहे हैं दीक्षा के माध्यम से कि करो भैया हम साथ में हैं। जब मैं बोलता हूं ना तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे साधकों की जिज्ञासाएं बीच में जुड़ी होती हैं। बहुत सारे साधक मैसेज करते हैं ना कि अलग अलग चीजों से संबंधित, बिल्कुल। और तो बहुत सारे साधकों का बड़े अटपटे आते हैं और कई लोगों का उत्तर ही दिया हुआ नहीं वीडियोस में, तो जितना समय मिल पाता है उतना बोल पाते हैं, जितना मूड बन पाता है उतना बोल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपन मूड पे चलने वाले ना भैया, विचार पे चलाने वाले गुरुओं का हमने देखा ही है, ठीक है। लाखों लाख रुपए देके वो पॉडकास्ट में आ जाते हैं, उनका बिजनेस जो है बढ़िया चल जाता है, लोग जाके हवन कर रहे होते हैं, फर्जी लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। हमारी वीडियोस में हर किसी के लिए उत्तर रहता है, कौन कैसा उत्तर लेना चाहता है। जो अपने आप को मारने के लिए, अपने आप को बर्बाद करने के लिए बैठा होगा, उसका मैसेज जब आता है, और जिसको सर्वस्व प्राप्त करने की आकांक्षा होती है उसका जब संदेश आता है, दोनों में एक मैसेज होता है, दोनों का एक ही उत्तर होता है, और दोनों के उत्तर में बिल्कुल भिन्नता दिख रही होती है। अगर एक हेलो भी बच जाता ना तो पता चलता कि बाबा वाला है कि नीचे कीट पतंगा है। नहीं है, बिल्कुल सिस्टम नहीं है। देखो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई स्टेट ही नहीं है। जब मैंने ये कह दिया कि जितना भी दिख रहा है और जितना भी नहीं दिख रहा है, जितना तुम आभास कर सकते हो और जितना भी अपेक्षित है कि आकांक्षा है तुम्हारी की उतना आभास हो सकता है, वो भी तुम्हारे संपर्क में नहीं है, ठीक है। वो सारा मिला के सिर्फ माया के अधीन है, और सारा कुछ मिला के बैठी हुई बगल में कि प्रभु ज्ञान नहीं, ज्ञान दो, मेरे सर्वस्व हो पति हो लेकिन मेरे गुरु बनके मुझे ज्ञान दो। पत्नी क्या करती है, स्त्री क्या करती है, पुरुष पर कब्जा करती है ना, अपने हिसाब से चलाना पसंद करती है, ठीक है। और जो स्मार्ट होता है तो उसी माया का रोल प्ले करके उसके सरेंडर होता है। तो अगर वो वैसा व्यक्ति है तो वो तो खेल ले जाएगा, ठीक है, लेकिन जो वैसा व्यक्ति नहीं हो फेल हो जाएगा उसमें। तो इतने एंगल से आपको भ्रम रखने वाली माया अंत में आपको
सिर्फ इतना कहलाने वाली माया कि धोखा हो गया। जब ज्ञान होता ना तो ये निकलता धोखा हो गया। पूरे जीवन का लगाए हुआ दिमाग एक पल में कहता है धोखा हो गया। लेकिन अब उस समय जब धोखा होता है कुछ करने वाला नहीं होता, कुछ कहने वाला भी नहीं होता, बस यही कहता है धोखा हो गया, झूठ हो गया। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। नमो नमो हे दुर्गे, भैया तुम ही हो, क्योंकि हमारी चल नहीं सकती, क्योंकि हम शून्य हो नहीं सकते, हम भैरव वाले हो नहीं सकते, हम तो माया वाले हैं। नमो नमो आई गिरी नंदनी, चलता ना तमाम, इसकी साधना कर लो, उसकी साधना कर लो, मतलब उसकी इसकी साधना वैसे ही चलती है। असली वाले जो बाबा वाले होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है, वीराने में बैठने का मतलब ये नहीं कि शमशान में जाके बैठ गए, खंडहर में जाके बैठ गए। वीराने में मसान जागता है, अंतर्मन से जो है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो जागता है। क्या है वास्तविक स्वरूप? लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, दबा हुआ काम, दबा हुआ क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, तमाम आकांक्षाएं, सबकी स्वाहा हो रही होती है। उसका जो बाह्य प्रदर्शन है वहां पर दिख रहा होता है, लेकिन सब बुद्धिवादी हैं, सब ज्ञानवान लोग हैं, कहां समझ पाते हैं। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं हूं, मेरा प्रतिबिंब है गुरु, उससे जाके बैठ जाओ, उसके शरणागत हो जाओ। सबसे ऊपर साधना जो कोई नहीं कराना चाहता है, क्यों? उसको कराने के बाद चेला चला जाएगा ऊपर। अभी क्या तुम्हें याद है उसको क्या मैंने बोला लड़के को? मैंने कहा अगर तुम मुझे 1 साल दे रहे हो, ठीक है, मैं तुमको 1 साधना कराता हूँ, ठीक। साधना कराना पूरा 1 साल मेरे हिसाब चलेगा, बंदा साधना कराता हूँ, सिद्धि हो जाएगी, अपना बोरी अवस्था लेके निकल जाना। क्यों? बंदा गया सिद्धि के पीछे, गुरु के पीछे नहीं गया। तो सिद्धि फिर अपना फैलाएगी ना, अस्त्र शस्त्र गुरु के पास कहाँ रहने देगी। मैंने कहा भैया अपनी जगह देख लेना दूसरी। कहने नहीं, नहीं गुरु जी, मुझे तो आपकी शरण में रहना है। वो सिर्फ वाक्य थे, शब्द थे, एक्चुअली में क्या है कि भीतर से तो वही है ना कि मुझे कुछ होना है। अब मुझे कुछ क्यों होना है? मुझे मरना नहीं है, उसका भ्रम तो माया पाले ही रखना चाहती है ना। तो जब वैसा भ्रम बना रहे, वैसी आस्था बनी रहे, तो वैसा कुछ मिल जाए, तो वैसे ही उस रास्ते में निकल जाए। तो जब उस रास्ते में निकल जाएगा व्यक्ति, तो फिर हमारे पास रहेगा क्या करेगा? जिसको जो चाहिए था वो निकल गया। और आप कहते रहे ना पिना के दे दो, पिना के दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको मैंने कई बार बोला, ठीक है, मैंने कहा देख लो उदाहरण, पिनाकी वाले कौन है मेरे पास? कोई नहीं, सब दूरी दूर है। तुम्हें दूर होने का तो आओ मैदान में। लेकिन ये मत सोच लेना पिनाकी लेने के बाद तुम मेरे पे कोई एहसान कर दोगे। अब जिस उद्देश्य से तुम बोलते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं आश्रम का ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, साला जो बंदा तुम्हें पिनाकी दे रहा है वो साला खुद उसका उपयोग करके कुछ नहीं कर सकता है। थोड़ी सी बुद्धि बात समझ में आ जाएगी, लेकिन खेल नहीं समझ में आ सकता है मोहित जी। तो अभी भी जो हमारी डिमांड है ना मोहित जी, अभी हमारी डिमांड जो है मेन साधक को मध्य में रख के है विद कष्ट, क्योंकि वो जो विराजमान है ना काल भैरव आश्रम में वहां पर उस तरफ, या जो अस्तित्व में विराजमान है, उसका एक ही पैटर्न है। क्या भैया मेरी तरफ आओगे ना आनंद नहीं है, कष्ट में आनंद है। हाँ कष्ट पहले कष्ट ले लो, क्योंकि आदमी जिस चीज से भाग रहा है वो क्या है? कष्ट। कष्ट उससे भाग रहा है,
ठीक है। और ये सारा जो YouTube पे पॉडकास्ट पे ये सारी चीजें क्या चल रही है, वो ये चल रही है, ये कर लो इससे ये हो जाएगा, ये कर लो इससे ये हो जाएगा, बाबा को कर लो ये हो जाएगा। उसने देखो जब वो दे रहा है कष्ट, इसका मतलब उसके पास है, उसके वो पास जानता है। उसने जब पूरा दे दिया और मैंने पूरा पी लिया बिना हलचल के, तो मैं तो वही हो गया ना, गुरु को अपना अंदर उतार लिया ना उसने, इसी वजह से पूरा मैंने कष्ट ले लिया, पूरा कष्ट ले लिया। अब क्या बचा, आनंद बचा, कुछ बचा ही नहीं। आदमी छोटी सी गाड़ी टच हो जाए उसी में गरियाने लगता है, आदमी के पैर के ऊपर को दूसरा पैर रख दे, मेरा जूता खराब कर दिया 1000 रुपए का। और मैं तो कह रहा हूं कि आओ अनुष्ठान बैठो, दीक्षा लो, औकात है तो मेरे सामने बैठो, मैं करवाता हूं तुमको। लेकिन फिर मैं ही रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, मैं ही रहूंगा तुम नहीं रहोगे भैया, कि मुझे मच्छर काट रहा है मुझे, ओए जी, हाँ सुन रहे हो ना, सुन जी, मुझे मच्छर काट रहा है, मुझे पीलिया हो गया है, मुझे हैजा हो गया है, मुझे अब याली दवाई चाहिए। वो क्या मतलब भैया तुमको, साला जब गुरु बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी ना, तुम मरो चाहे जिंदा रहो। आदमी को रोना भी आता है, ये भी एक एंगल है विमल जी, आदमी को रोना आने लगता है, क्यों, क्योंकि वो रो के वही महात्मा गांधी वाला कांड करना चाहता है, खाना पीना छोड़ देंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, क्योंकि मनमानी है बात कुछ, वही रो देंगे है, क्योंकि रोने से गुरु जी करुणामयी हो जाएंगे, फिर मेरी बात जो थी वही उसी पे आ जाएगी बात। ऐसे नहीं करना चाहिए साधक को, साधक को पहले साधक होने के लेवल पे आना चाहिए कि मैं साधक तो हो जाऊं, तब तो कहीं जाके यार बाबा के चरणों की धूल बन पाऊं। जरा सा मोहित जी ने कुछ कह दिया तो लग गई बात, जरा सा आलोक जी ने कुछ कह दिया लग गई बात, आज भोजन नहीं मिला तो साले को मेरे को भोजन नहीं दिया, आज मेरे को नमक नहीं दिया, आज ईश्वर ने मुझे इतना प्रताड़ित किया, आज मैं गांव पे गया तो गांव वाले ने ऐसा बोल दिया, इतनी तुच्छ बात। यात्रा कहाँ की करने चले हैं, वहां की गुरु जी ने ऐसा बोल दिया, अतुल जी ने ऐसा बोल दिया, अमल जी ने ऐसा बोल दिया, राज जी ने आज भोजन नहीं दिया, मुझको पूछा ही नहीं। साला बंदा बैठा है गुरु पदासीन होके कह रहा है मत चला भैया मेरे से मत चलो, दिमाग चल रहा है मोहित जी, तो इस पूरी बात का आपके प्रश्न ये सार निकलेगा कि न बाबा करो, न लूना चमारिन करो, न दुर्गा करो, न काली करो, जो गुरु को है वो करो, इसका सार वही। और गुरु को कॉपी भी नहीं करने का, हाँ बहुत सारे साधक जो हैं अपने गुरु गुरु को कॉपी करने शुरू कर देते हैं, सत्य बता रहा हूं। कॉपी करने वाला नरक की यात्रा में है हमेशा, कॉपी सत्य बता रहा हूं, जो उसका व्यवहार है, जो आउटर जो उसकी माया है उसको कॉपी करने लग जाते हैं, नरक गामी है। गुरु ने जो कहा बस उसमें मिट जाओ, मर जाओ, तुम्हारा सब छीन ले, तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाए, मुझे इस लायक समझा, मेरा सब छीन लिया, हा? लेकिन ये वही समझ पाए जो गुरु को समझ पाए, गुरु के आदेश को समझ पाए।
बाकी कैसे कोई समझ पाया।